तो हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा जानी सुम्मो का प्यार भरा गुड मॉर्निंग सुप्रभात। और दोस्तों आज है 18 जनवरी, ये ब्लॉग है 17 जनवरी का जानी बुधवार का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ हेयर कटिंग, जो कि मुझे बड़े दिनों से मैं बोल रही थी कि बालों की कटिंग कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो है हेयर इतने ज़्यादा हो गए थे, बड़े दिनों से सोच रही थी और सर्दियाँ इतनी ज़्यादा थी ना, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो अचानक से देखिए अभी मैं जैसे धूप निकली तो मैंने इनको बाहर छोड़ा, लेकिन अचानक से इनको पड़ गया दौरा, जो कि बचपन से पड़ता है। और अभी देखिए मतलब दौरा पड़ पड़ के ना कितनी हालत जो है ख़राब हो गई है। और हमें मतलब डेली हम नहलाते नहीं हैं सर्दियों में, इससे क्या होता है कि ज़्यादा जो तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो आज धूप इतने दिनों के बाद ना, दो दिन से धूप अच्छी निकल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं नहला देती हूँ। और जहाँ पर आते ही जो है दौरा पड़ गया था। तो फ्रेंड्स आप प्रे कीजिएगा कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। तो ऐसे इतने ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, कभी 3-4 मंथ का कोई एक बार पड़ जाता है, जैसे मंथ का एक बार पड़ता होगा। लेकिन अभी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि दिन में 10-10, 20-20 बार पड़ जाता है। तो अभी देखिए मुझे अभी हेयर जो है कट करने हैं, और अभी कितने दिनों के बाद जो है ना हेयर की कटिंग हो रही है। और आप देख सकते हैं हाथ भी एक मतलब एकदम मुड़ सा गया है, वो भी दौरे की वजह से। तो आप सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम इनके लिए कुछ कर पाएँ। तो यहाँ पर आज मैं इनके अपनी जो है सच्चाई बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे मेरे घर में कौन कौन है कौन कौन नहीं है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अभी यहाँ पे हो रही है कटिंग, और यहाँ पे ये हेयर कट किसी से नहीं करवाते हैं, चाहे अगर आप घर पे नाई को भी बुलवा लोगे ना तो वो हेयर कटिंग करेंगे तो नहीं करवाएंगे ये। तो ये सिर्फ मेरे से ही कटिंग करवाते हैं, और इसलिए हमने हेयर ड्रायर ले जो हेयर ड्रायर नहीं ये ट्रिमर ले रखा है ताकि अच्छे से इनके बाल कट कर सकें। तो यहाँ पे अभी बच्चे भी नहीं थे, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी बालों की कटिंग कर देती हूँ। और बुधवार था तो मैंने सोचा कि बुधवार है आज, तो मैं इनको नहला भी देती हूँ। तो ये बुधवार का ब्लॉग है, लेकिन मैं आज जो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये मैं 18 जनवरी को कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा मतलब समझ जाइएगा कि ये बुधवार का ब्लॉग है। तो वीरवार को हमारे यहाँ पे हेयर कटिंग नहीं करते हैं। तो आज नेल्स कट किए थे मैंने पहले, फिर मैंने हेयर कट किए अभी। तो आपको कैसे लगी हेयर कट करने का तरीका अब बताइएगा ज़रूर, कि मैं इतने अच्छे तो नहीं कट कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी। और बीच बीच में ना इनको छोटे छोटे दौरे ऐसे पड़ रहे थे, तो उस मतलब उतने में इतना मतलब पहचान नहीं पाता है कोई, लेकिन जब ज़्यादा ही बड़ा हो जाए ना तब थोड़ा सा इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स इतनी तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जाती है, जब इनको इतना ज़्यादा दौरा होता है ना तो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ ना, कभी हाथ पाँव ऐसे इनके थोड़े से दबाती हूँ ताकि इनको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील हो। पेन होती है, हाथों को पेन होती है, हार्ट को पेन होती है, माइंड को भी स्ट्रेस पड़ता है, तो आँखों में भी मतलब इसका जो असर होता है ना वो भी पड़ता है। तो यहाँ पर बस पापा जी आ गए थे तो देख रहे थे कि अभी कितनी कटिंग बची है, क्योंकि बच्चे भी रो रहे थे। माधव जो है रो रहा था, जिद कर रहा था कि मुझे मम्मा के पास मतलब रो रहा था कि शायद उसको भूख लगी होगी इसलिए। तो मैंने बोला पापा जी को कि आप जाइए माधव के पास, मैं बस 10 मिनट के अंदर आई, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होने ही वाला था। और यहाँ पर ट्रिमर भी डेड हो गया, मैंने थोड़ी एक घंटा तक ट्रिमर चार्ज लगाया था लेकिन इतना जो है चला नहीं वो। और उसके बाद देखिए मैंने ट्रिमर ख़त्म हो गया था तो मैंने सेफ्टी की सहायता से भैया की जो दाढ़ी शेप वगैरह वो की, और उसके बाद जो है पापा जी ने भैया को नहला दिया था। और बस पापा जी लेके नहीं आ सकते थे क्योंकि पापा जी भी वीक हो गए हैं ना, उनसे इतना होता नहीं है कि भाई जी को उठा के यहाँ अंदर तक ले आएँ।
फिर मैंने यहाँ पे भाई जी को कपड़े वगैरह पहना दिए और अच्छे से जो है भैया की नहलाई भी हुई थी। भैया एकदम चमक गए थे और एक मतलब 2-3 हफ्ते से तो भैया नहीं नहाए थे, क्योंकि हम इतना नहलाते नहीं हैं सर्दियों में, क्योंकि इनकी ना नहीं तो इनको जो है सर्दी लगने का डर रहता है, इसलिए हम ज़्यादा नहलाते नहीं हैं। तो अभी जो है यहाँ पे देखिए माबिया भी, एक तरफ माबिया है जो कि दूध लिए, अभी दूध यहाँ पे बॉटल दी थी इनको कि दूध पी लो, और साथ में देख रही थी कार्टून। और यहाँ पे अभी भैया जी को मैंने कपड़े लगा दिए थे। तो आप सबको बता दूँ कि मेरा इनसे जो रिलेशन है वो है मेरे ब्रदर का, जो कि जेठ जी लगते हैं मेरे, कहने में ये जेठ जी हैं लेकिन ये बच्चों से भी बढ़कर हैं। मैं इनको अपने बच्चों की तरह ही रखती हूँ, जैसे बच्चों को कोई चीज़ देती हूँ ना तो मैं इनको सबसे पहले देती हूँ, तो ये बच्चों से भी बढ़कर हैं। कहने में ये रिश्ते में बड़े हैं लेकिन मैं इनको बच्चों की तरह समझती हूँ। तो आप सब बताइएगा कि ये मेरी राय कैसी है, कोई भी भाभी जो है ऐसा करती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना बच्चे का मतलब बच्चों की तरह मैं इनकी देखभाल भी करती हूँ और इनको देखती भी हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है कपड़े मैं लगा रही थी अच्छे से, क्योंकि इनका एक हाथ जो है ना काम कम करता है, दूसरे हाथ अच्छे से काम कर जाता है, वो खुद लगा लेते हैं, ये वाला हमें खुद लगाना पड़ता है हाथ से कोई भी कपड़ा। तो चलिए अभी माबिया को भी मैंने बोला कि यहाँ पे सो जाओ अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो है कपड़े तो मैंने लगा दिए थे, लेकिन अभी मुझे भैया को सुलाना था अच्छे से, क्योंकि इनको गर्माहट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पे देखिए अभी लगा रही हूँ मैं ऑयल अच्छे से सर में, क्योंकि आज तो हेयर कटिंग हो गई थी तो अच्छे से मसाज करना तो बनता था। यहाँ पे हेयर कॉम्ब भी हो रहा है भाई, देखिए अच्छे से हेयर कॉम्ब भी करवा रहे हैं मेरे से, नहीं तो हेयर कॉम्ब नहीं करवाते हैं। और बहुत ही खुश हो जाते हैं जिस दिन नहलाए हो ना, उस दिन बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो अभी बस सर्दियाँ जाने वाली हैं, तो आप इधर देखो ये आज तो कितनी सुंदर लग रही है। क्रीम लगानी है, लगाऊं क्रीम लगाऊं? इधर देखो, उधर इधर 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 देखो, ये देखो तातो कितनी सुंदर लग रही है ना, सुंदर लग रही है। चाय पीनी, अब चाय पीनी, चाय पीनी, चाय पीनी। तो फ्रेंड्स भैया जी हैं थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं ये, अभी मतलब जो दौरे पे दौरा इनको पड़ता है, तो उसी की वजह से ना जी ज़्यादा ही वीक हो गए हैं थोड़े। तो ऐसे ही सब बोलते थे, खाने पीने का, चाय पीने का सब बोलते थे, तो अभी थोड़ा कम बोलते हैं, मेरे साथ थोड़ा कम बोलते हैं, है ना। और बोलो, चाय पीनी, चाय लाऊं? हाँ लाऊं चाय। अरे बाल काट दिए आपके, हेयर मैंने कट कर दिए, बाल कट कर दिए आज। चलो फिर, चलो आपको सुला दो, उधर उठो उठो, उधर सुला देती हूँ आपको। पूरी सर्दियों में ना भैया बीमार हो गए थे, तो अभी जाके थोड़ी से जो धूप वगैरह निकलना शुरू हुई है, तो हमने सोचा कि आज नहला देते हैं, बहुत ही ज़्यादा धूप थी आज, तो इसलिए थोड़ा सा सिक भी जाएंगे भैया। और अभी देखिए नहला दिए हैं, बाल मैंने कट कर दिए हैं, अभी एकदम जो है क्लीन हो गए हैं और साफ़ सुथरे सुंदर, है ना। हमारे भैया बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर है हमारे भैया। चलो चलो अभी अपने बिस्तर पर, पीछे हो जाओ, चलो वो उधर चले जाओ, चलो उठो उठो उठो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बैठो पहले बैठ के जाओ ना, चलो उधर पीछे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं भैया को यहाँ पे सुला देती हूँ और फिर चलती हूँ मैं गाय के पास, क्योंकि मुझे अभी बर्तन साफ करने हैं और मुझे घास भी काटना है। तो चलिए अभी फटाफट से चलते हैं। माबिया यहाँ पे सो गई है, वो देखिए दूध मैंने दे दिया था, अभी बॉटल इसको दिया था, बॉटल मैंने माधव को दिया था, तो वो तो सो गए हैं दोनों, तो मुझे अभी अपना काम समेट लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फटाफट से। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग आज का कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट सबसे ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।